अंडमान हंटर के नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज हम आए हैं समुद्र के बगल में मड क्रैब पकड़ने के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आज देखते हैं क्या मिलता है और क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पानी के साथ शायद अभी आके ये बिल खोदने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ में देख सकते हैं शायद एक क्रैब है। हाँ, दिख भी रहा है हमें। हाँ, लेकिन ये रेड क्रैब है, जो हमारे यहाँ लोकल भाषा में हम लोग से आरबी बोलते हैं, रेड बोल्ड। अरे इसका तो एक ही टांग है, एक ही पाव है इसका। ए टांग अब भी टूटा लगता। वो इसीलिए आके यहाँ बैठा होगा। इसे बड़ा सा चूट भर में इसका पाव चले जाएगा। ये ना ये दो एक दिन पहले ही किया। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक रेड क्रैब है जिसकी टांग एक ही है, पहले से ही डैमेज है, और ये आके यहाँ में बैठा था। एक कोकोनट ट्री है हमारे समुंदर साइड में, आपको ऐसी बहुत छोटे छोटे आइलैंड में इस तरह कोकोनट ट्री मिल जाएंगे, क्योंकि कोकोनट ऐसी पानी के साथ आके फिर ऐसी जगह में फिर बड़े पेड़ हो जाते हैं। और आज हम जहाँ पे आए ये समुंदर साइड है, आपको लहरों की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। चलो जो मिल गया। अब देख सकते हैं ये समुंदर साइड से पूरा नारियल पेड़ भरा पड़ा है, बहुत सारे नारियल पेड़ है यहाँ पे, कोकोनट ट्री यानी कि। एक आप देख सकते हैं एक जंगली कैक्टस है समुंदर के बगल में, ये घूमता है ये कैक्टस। इसे भी बहुत सारे आदमी पकड़ के खाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ में भी आप एक कोकोनट देख सकते हैं, ये शायद यही पेड़ से गिरा होगा, ये लंबे जो पेड़ है इसी से गिरा होगा। फिर अभी ये पानी के साथ कहाँ जाके फिर एक नया पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई को शायद और एक मिल गया है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। है क्या?
क्या हुआ? नीचे चले गया पत्थर। तो फ्रेंड ये भाई बोल रहे कि बहुत अंदर चले गए और अभी पानी भी भरा है जिनके कारण हम इसे अभी नहीं निकाल सकेंगे। तो बढ़ते हैं आगे तरफ। इस तरफ पत्थर में चलना बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं भाई ने और एक पकड़ लिया है। मैं उस तरफ थोड़ा समुंदर को देख रहा था कि पानी कैसे चढ़ता है, कैसे आवाज़ कर रहे। तो यहाँ तो मुझे केकड़ा का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो मैं जल्दी आ गया। आके देखता भाई ने और एक पकड़ लिया है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं कि पानी अभी चढ़ रहा है, लेकिन पानी अभी सुबह का टाइम चढ़ रहा है और करीबन और भी चढ़ेगा। अभी तक एक घंटे तक पानी भरेगा। भाई कहाँ लेके आ रहे? वो पावर है इसमें। ये रेड क्रैब है कि एक्सेल है? एक्सेल है, मट क्रैब। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में हम लोग इसे एक्सेल कहते हैं, लेकिन ये मट क्रैब है। लेकिन ये तो रेड क्रैब का ही, रेड क्रैब का तरह ही दिखता है, रेड बोल्ड। लेकिन आज छोटा छोटा है ना। ये पत्थर के अंदर छोटा छोटा ही मिलेगा। ये मट क्रैब है, यानी कि मट्टी के अंदर रहेगा। पत्थर के अंदर तो बच्चा बच्चा ही रहेगा सेफ्टी के लिए। इंसान आएगा तो पत्थर उत्थर के अंदर छुप जाएगा। उसका एक टांग देखा, बहुत पतला है। तो फ्रेंड अगर आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आगे वीडियो में बने रहे। शायद टूट गया था, ये मोटा है, ये बहुत पतला है। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक टांग मोटा है, एक टांग बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो भाई बोल रहा है कि एक टांग शायद पहले टूट चुका था, उसके बाद फिर से आया है। और जिसे पता नहीं है उसे बता दूँ कि केकड़ा अगर अपना टांग छोड़ देते या टूट जाते तो बाद में उसके टांग फिर से हो जाते। कितना हुआ? तीन। चलो आगे तरफ जाते। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो एक खोला है हमें, तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ में एक गड्ढे भी है। तो पानी आने का साथ साथ ये बाहर आया अभी। तो पानी अभी आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा है और पानी में स्पीड भी बहुत ज्यादा है, यानी कि पानी भर रहा है। तो ये भी तो चाल ले लिए, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएगा भाई भाग के। अंडमान हंटर्स की नजर में अगर आप आ गए तो आपको पकड़ ही लेंगे। जाओ जाओ, इतना जो जाना है जाओ भाई। भाई फिर गड्ढा उड्ढा में घुस जाएगा भाई। तो फ्रेंड ये एक रेड क्रैब है। रेड क्रैब रेडी होते हैं लाल खाली खाले नाम रेड क्रैब तो नहीं रखते। रेड बेक, ये क्या पेड़ है?
अभी भी बाहर आया बिल से कुछ खाने के लिए। अभी तुम उसको पकड़ के लेके जाके खा लेगा तो कैसे जी? इसका टांग देखा है पत्थर के अंदर रह रहे कि इस तरह एकदम, मतलब ये पत्थर सीपीपी तोड़ के खा खा के इसका टांग भी टूटने जैसे हो गई एकदम वाइट वाइट। दिखाओ ना अच्छा से, तो जंगंग लग गया लगता इस तरह लगता। अरे घिस गया इसका पाँव, सीपीपी तोड़ता है ना, तो ये सीपीपी पत्थर के अंदर तोड़ के खाना, इन लोग का लाइफ सोचो। अभी कितना हो, 5-4 चार हमें मिल चुका है, तो बढ़ते हैं आगे तरफ। अरे गड्ढा नहीं है, 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 है। हाथ मत डालोगे भाई, साफ उप रहेगा फिर वो बाल। है क्या? लेकिन तो छोटा रॉड लेके आया, उसे निकलेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं भाई ने बहुत मुश्किल के बाद इसको तान के निकाले, ये गड्ढे को आज ये ख़त्म ही कर दिया लगता है। पकड़ सकता ना आराम से। अरे वो दूसरा पाँव से कुछ दबा के रखा है इसलिए नहीं आता। वो तो और एक टांग दिखते तो बड़ा साइज है भाई, खूब साइज है। ये तो 600-700 ग्राम तक हो जाएगा। काई पकड़ लिया देख इसको, पानी पिलो, तो पानी पिला लो नहीं तो मर जाएगा। अभी दांत सफेद सफेद, थक गया ना पूरा इसके साथ जो किया 10 मिनट तो हो गया। थक गया लेकिन अभी भी अगर बाय चांस पकड़ लिया ना छोड़ेगा नहीं यार। और छोड़ेगा नहीं, फिर तो जहाँ पकड़ेगा नहीं तो वहां से काटना नहीं तो केकड़ा को मारना। सब केकड़ा अभी बाहर है, पानी चढ़ता है ना, पानी फूल होने से ये सब जगह घूमेंगे।
ये धूप भी तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बड़ा साइज है, 600 ग्राम तक आएगी। 600 पाँच चलो बढ़िया। तो नहीं है, फीमेल भी रह सकते हैं फ्रेंड इसके अंदर, क्योंकि केकड़ा गड्ढे में फीमेल के साथ भी बहुत मिला है हमें, एक ही गड्ढे में दो, कभी कभी तीन भी मिल जाते हैं, दो मेल एक फीमेल। इधर पानी भर चुके हैं तो आगे नहीं जा सकते। ये देख सकते हैं, अब पता नहीं चल रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं कितने स्पीड में पानी भर रहा है ऊपर। इसका नीचे से जाना पड़ेगा। काम गड्ढा तुमको यहाँ से दिखता है, ये तरफ तरफ भी आने ये तो अभी पानी आया उसी में आके बैठा होगा। अरे नीचे पोला पोला का तरह है ना, और पानी भी तो बहुत भर गया। तो फ्रेंड पानी भी बहुत ही भर चुका है, और आपको बता दूं आज हमारे चैनल पे जो नए हैं जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि हम इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं, क्रैब फिश रिलेटेड, ज़्यादातर क्रैब का ही लाते हैं। तो अगर आपको इस तरह वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। और जो हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उसे हम दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे हर वीडियो देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वो कहाँ से देखते हैं वो भी बताते हैं कि हाँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ। और आज हमारे चैनल पे जो नए हैं बहुत जन को पता भी नहीं रहेगा कि हम अंडमान से वीडियो लाते हैं, अंडमान कहाँ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे इंडिया के है कि नहीं है। तो आज जो नए हैं उसे मैं बता दूँ, अंडमान हमारे इंडिया का ही आइलैंड है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बहुत जन को पता भी नहीं है, तो जिसको पता नहीं है उसे भी बता दूँ। और वीडियो आपको पसंद आया तो हमको डर भी लग रहा है, अरे बात क्या करूँगा बात करते करते पीछे चलते रहे तो बात कहाँ से करेगा तो फ्रेंड क्या बोल रहा था वो भी मैंने भूल गया, क्योंकि केकड़ा मेरा तरफ ही आ रहा था। तो वही, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नीला नीला चाहिए, ये तो जंगली क्रैब का तरह दिख रहा है जो जंगल में रहते हैं। इसका साइज तो अच्छा है। ये कितना कहाँ तक हो जाएगा, कितना ग्राम तक, कितना केजी तक? 800-900 ग्राम। 800-900। तो फ्रेंड देख सकते हैं, और अभी पानी बहुत ही ज़्यादा भर जाने के कारण हम लोग सामने और नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है समुंदर साइड हर जगह ऐसा नहीं होता है। यहाँ में साइड में नारियल पेड़ है, इसका मतलब ये है कि ये साइड में थोड़ा बालू वालू टाइप का है थोड़ा, लेकिन पानी के साथ मगर भी है। मगर भी है, वही सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि पानी के साथ अंडमान में मगर का बहुत ही बड़ा झमेला होता है। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ इंसान को अगर मगर खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मगर को कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए और आगे नहीं बढ़ेंगे, वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, और जाते जाते अगर मिल जाता है, अभी हम लोग यहाँ से फिर रिटर्न जाएंगे। हम लोग ये समुंदर साइड से करीबन एक 15-20 मिनट तक चल के आए। तो हमें आज कितना मिला भाई? 6-7 मिला। 6-7 मिल गया है, तो जाएंगे अभी घर तरफ, और टाइम भी हो गया पानी नहीं भरने से। बैग को भर के ही लेके जाते थे हम लोग, हर बार जाते टारगेट लेके जाते हैं कि बैग को भर के लेके आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाते हैं, तो बारिश आ जाता है नहीं तो पानी भर जाता है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, कभी कभार हो जाते हैं बैग भी भर देते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा। ये हरा केकड़ा है कि लाल केकड़ा है उसको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मिक्सअप है क्या, क्रॉसिंग तो नहीं है क्रॉसिंग भी हो सकती है।
नीचे लेकिन कलर दूसरा है ना। हाँ जंगली के कलर का। ठीक है फ्रेंड, शायद वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। और आज चैनल पे जो नए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। केकड़ा आपको एक बार दिखा देते हैं, बिग बिग साइज, एक टंग वाला व्यू दिखाई दे रहे हैं। तो और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो एक खूबसूरत नज़ारे के साथ वीडियो को करते हैं अंत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंडमान हंटर्स।